नाबार्ड का डेयरी लोन। अगर आप डेयरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको बैंक से नाबार्ड की तरफ ही आना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंक में जो लोन का प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी होता है, और उसके बाद भी लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। बैंक जो है डेयरी वगैरह का लोन देने से डरती है क्योंकि इसमें फेल्योर का चांस ज्यादा होता है, लेकिन नाबार्ड में अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा होता है तो नाबार्ड में आपको आसानी से डेयरी लोन मिलता है। और लास्ट में मैं आपको एक टिप भी दूंगा कि कैसे नाबार्ड का डेयरी लोन अप्रूव कराया जाता है। तो चलिए एक एक चीज को समझते हैं कि नाबार्ड का डेयरी लोन योजना क्या है, इसके अंदर 9 अलग अलग योजनाएं क्या क्या आती है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन सा टर्म एंड कंडीशन को आपको जरूर फुलफिल करना होगा, हर एक चीज को समझते हैं। यह बात तो आपको अच्छे से पता होगा कि नाबार्ड भारत सरकार के अंदर आता है और नाबार्ड जो है किसानों के लिए अलग अलग तरह के परियोजना को लाते रहता है। यह जो डेयरी उद्यमिता विकास परियोजना है यह 2010 में ही शुरू हो गया था, लेकिन उस समय जो इसका नाम था वो था डेयरी और पोल्ट्री के लिए कैपिटल स्कीम। फिर उसके बाद 2010 में सभी बैंकर्स और नाबार्ड के सारे ऑफिसर से राय विचार करने के बाद इस परियोजना का नाम बदल कर रख दिया गया डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। अब ये समझिए कि इसको इसमें इतना ज्यादा बजट क्यों देती है सरकार और इतना ज्यादा अमाउंट का लोन कैसे पास होता है, क्योंकि इसकी जरूरत है। देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और भारत के लोग जो है सबसे ज्यादा दूध को कंज्यूम करने वाले लोग हैं, तो इसी दूध के कंजम्पशन को पूरा करने के लिए सरकार जो है चाहती है कि हमारा डेयरी योजना जो है सक्सेस हो, ज्यादा से ज्यादा डेयरी खुले ताकि लोगों को अच्छा दूध मिल सके। अब ये समझिए कि ये जो डेयरी उद्यमिता विकास योजना है ये किन-किन चीजों के लिए लोन देती है। नाबार्ड का डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम में 6 चीजों के लिए लोन मिलता है। सबसे पहले बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार देने के लिए। दूसरा, नाबार्ड ये कहती है कि लोग जो खेती किसानी से दूर हो रहे हैं, लोग जो गौ पालन से दूर हो रहे हैं, उस कंडीशन में अच्छा ब्रीड का बछिया उनको देने का और उनको फिर से इनसे जोड़ने के लिए। तीसरा, वो कहती है कि ग्रामीण स्तर पे जो है दूध का उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जा सके ताकि शहर के लोगों का कंजम्पशन पूरा किया जा सके, शहर के लोगों का डिमांड पूरा किया जा सके। चौथा में वो कहती है कि स्वच्छ दूध उत्पादन होना चाहिए क्योंकि आबादी बढ़ रही है, अगर दूध का डिमांड बढ़ेगा और दूध का उत्पादन नहीं होगा तो उस कंडीशन में मिलावटी चीजें जो है लोगों के पास जाने लगेगी। और पांचवा छठा चीज वो ये कहती है कि व्यावसायिक स्तर पे दूध का उत्पादन गांव में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि शहर में जो है दूध का उत्पादन नहीं हो सकता क्योंकि वहां जगह कम है, गांव में व्यावसायिक स्तर पे उत्पादन होगा तो गांव के किसान जो है अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं सिर्फ दूध के बिजनेस को करके। अब ये समझिए कि इसमें कौन-कौन आदमी जो है लोन ले सकता है, किस किस तरह का किसान नाबार्ड का डेयरी लोन का फायदा उठा सकता है। नाबार्ड के अनुसार कोई भी किसान जो है आसानी से नाबार्ड का डेयरी लोन ले सकता है। इसके अलावा कोई एक अकेला बिजनेसमैन है जो नाबार्ड के अंतर्गत लोन लेकर डेयरी खोलना चाहता है तो वो लोग भी ले सकते हैं। असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में जो भी काम करते हैं वो लोग नाबार्ड का डेयरी लोन ले सकते हैं। मिल्क यूनियन अगर बना के आप काम कर रहे हैं तो भी आप नाबार्ड का डेयरी लोन ले सकते हैं। पंचायत, जो पंचायत छोटे हैं जिसमें 10 घर है, 20 घर है या फिर 50 घर का पंचायत है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है मेनली, वो लोग भी नाबार्ड का डेयरी लोन पूरे पंचायत की तरफ से इजिली ले सकते हैं। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर योजना के अंतर्गत एक बार में एक ही व्यक्ति सहायता प्राप्त कर सकता है, एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति भी सहायता प्राप्त कर सकता है, और अलग अलग संस्थान मतलब एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग संस्थान के नाम पर नाबार्ड से लोन लेता है तो उस कंडीशन में उसके एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच की दूरी 500 मीटर होनी चाहिए। अब ये समझिए कि इसमें कितना इंटरेस्ट रेट लगता है और कितना पैसा जो है आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप नाबार्ड का लोन जो है बैंक के लोन से 10 गुना बेटर है तो क्यों ये बात कहा था इसको अब आप समझ पाइएगा। नाबार्ड जो लोन देता है वो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर कॉमर्शियल बैंक के थ्रू देता है। अभी मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा किस किस बैंक के थ्रू आप नाबार्ड का लोन ले सकते हैं। अब ये समझिए कि अगर आप 1 लाख से ऊपर का नाबार्ड का लोन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको न्यूनतम जो है 10% अपने पॉकेट से लगाना होगा, न्यूनतम 10%। अब बात करते हैं नाबार्ड के लोन का सबसे बड़ा खासियत, वो है नाबार्ड लोन सब्सिडी। सब्सिडी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 25% का सब्सिडी मिल जाता है, और अगर बात करें एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को, तो उनको 33.33% तक का सब्सिडी जो है आसानी से मिल जाता है नाबार्ड पे। और 25% का सब्सिडी और 33% का सब्सिडी आपको किसी भी बैंक के डेयरी लोन पर नहीं मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि कौन कौन से बैंक से आप नाबार्ड का लोन अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं।
नाबार्ड का जो मेनली लोन प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट नाबार्ड अपने थ्रू नहीं करती है, वो करती है किसी भी कॉमर्शियल बैंक के, मतलब अपने एरिया का जो कॉमर्शियल बैंक होगा उसके थ्रू करेगी। कॉरपोरेटिव बैंक जो होता है उसके थ्रू करती है। ग्रामीण बैंक जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसके थ्रू नाबार्ड लोन को प्रोसेस करती है। और उसके बाद सहकारी बैंक जो होते हैं वो भी नाबार्ड के लोन को प्रोसेस करते हैं। और शहर के क्षेत्र में आए तो शहरी जो ग्रामीण बैंक होते हैं वो लोग भी नाबार्ड के लोन को प्रोसेस करते हैं। तो इन सब ऑप्शंस में, कॉमर्शियल ऑप्शन हो गया, कोऑपरेटिव ऑप्शन हो गया, इन सब में सबसे बेस्ट है ग्रामीण बैंक। आप ग्रामीण बैंक में जाकर नाबार्ड के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिए, जब आप लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि नाबार्ड अलग-अलग तरह की 9 योजनाओं में लोन दे रहा है। तो आप 9 योजनाओं में तो लोन नहीं ले सकते हैं। अगर आप 9 योजना में लोन लेना चाहते हैं तो एक एक योजना में जहां पे आपने डेयरी लोन लेके बनाया है उससे दूसरे परियोजना की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए, जो मैंने पहले बताया। तो अब ये देखिए कि 9 परियोजना कौन सा है और इसमें से सबसे बेस्ट परियोजना आपके लिए जो होगा उसमें आप अप्लाई करके नाबार्ड का लोन ले सकते हैं। अब मैं नाबार्ड के एक एक परियोजना को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाइए। सबसे पहले यहां मेरे बगल में जो टेबल बना हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा। पहला परियोजना जो है वो है क्रॉस ब्रीड गायों के लिए, स्वदेशी दुधारू गायों के लिए, जैसे कि साहिवाल हो गया, लाल सिंधी हो गया, गिर हो गया, राठी हो गया, ये जो नाम लिखे हुए हैं इसके अलावा भी आप कोई भी क्रॉस ब्रीड या फिर स्वदेशी गाय जो है रख सकते हैं। सोनभद्र भैंस वगैरह का डेयरी हो गया, भैंस के ब्रीड के लिए भी मिल जाता है। इसमें टोटल लोन जो आपको मिलेगा वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मिलेगा उस कंडीशन में जब आप 10 पशु खरीदते हैं। अगर सिर्फ आप 2 पशु खरीदते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। अधिकतम आप ये 5 लाख रुपए लोन लेके 10 पशु खरीद सकते हैं, न्यूनतम जो है आप 2 पशु खरीद सकते हैं। अगर आप 10 पशु का यूनिट बनाते हैं नाबार्ड का 5 लाख रुपए का लोन लेके, तो आपको जो समान वर्ग से जो भाई लोग आते हैं उनको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 25% रिबेट मिल जाएगा उनके लोन के अमाउंट में, जो कि अधिकतम बनता है 1,25,000। जो भाई लोग SC/ST कैटेगरी से आते हैं उनको 33.33% का सब्सिडी मिल जाएगा, जो कि अधिकतम बनता है 1,67,000 के अप्रोक्स में, 1,60,000 के अप्रोक्स में। अब ये देखिए, कोई आदमी कहता है कि हमको 10 पशु नहीं रखना है, हमको सिर्फ 2 पशु के लिए लोन चाहिए। उस कंडीशन में नाबार्ड कहता है कि अगर आप 2 पशु का लोन लीजिएगा तो आपको सिर्फ समान वर्ग से अगर जो भाई आते हैं उनको 25,000 का सब्सिडी मिलेगा, जो SC/ST वर्ग से भाई लोग आते हैं उनको 33,000 का सब्सिडी मिलेगा। ये था नाबार्ड का नंबर 1 परियोजना। अब देखते हैं नंबर 2 परियोजना, क्योंकि नाबार्ड जो है अधिकतम 30 लाख 40 लाख तक लोन देता है। नाबार्ड का दूसरा परियोजना जो है वो है बछड़े पालन के लिए, जिसमें क्रॉस ब्रीड का जो है भैंस का बछड़ा और गाय का बछड़ा पालने के लिए नाबार्ड देता है 4,80,000 का लोन। ये जो 4,80,000 का लोन है इसमें आप 20 बछड़े पाल सकते हैं, लेकिन नाबार्ड कहती है कि न्यूनतम आप 5 बछड़े पाल सकते हैं और अधिकतम आप 10 बछड़े पाल सकते हैं। उस कंडीशन में अगर आप 20 पशुओं का यूनिट खोलते हैं तो समान वर्ग को 25% का सब्सिडी मिलेगा, जो 1,20,000 रुपए बनता है। वही SC/ST वर्ग के जो भाई लोग हैं उनके लिए 33.33% का सब्सिडी मिलेगा, जो अधिकतम 1,60,000 रुपए बनता है। अब कोई आदमी जो है 20 पशु का यूनिट नहीं स्टार्ट करना चाहता, 20 बछड़े नहीं रखना चाहता, तो उस कंडीशन में वो 5 बछड़े भी रख सकता है। उस कंडीशन में समान वर्ग को 30,000 का सब्सिडी मिलेगा और SC/ST वर्ग के जो भाई लोग हैं उनको 40,000 का सब्सिडी मिलेगा। दूसरा जो नाबार्ड का परियोजना है, तीसरा परियोजना, वो है वर्मी कंपोस्ट के लिए। वर्मी कंपोस्ट का परियोजना में जो है 20,000 का मात्र लोन है, लेकिन ये परियोजना का लोन 20,000 का उसी को मिल सकता है जो नाबार्ड से दूसरा लोन लिया हो गाय पालने का या भैंस पालने का। तो उनको 20,000 का लोन मिलेगा, इसमें भी जनरल से जो आते हैं उनको 25% सब्सिडी और SC/ST वर्ग के जो भाई लोग आते हैं उनको 33% का सब्सिडी मिलेगा। अब आते हैं कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे कि गाड़ी वगैरह दूध पहुंचाने के लिए गाड़ी वगैरह खरीदना है, तो उस कंडीशन में नाबार्ड जो है 18 लाख का लोन देती है। 18 लाख का लोन बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, इतना तो चाहिए ही। इसमें जो गाड़ी होती है वो मिल्क कूलिंग वाला गाड़ी होना चाहिए, ठंडा जो दूध रख के पहुंचा सके शहर तक। उसमें समान वर्ग को 25% सब्सिडी मिलता है, जो कि 4.5 लाख रुपए तक होगी, और SC/ST वर्ग को 33% का सब्सिडी मिलता है, जो कि 6 लाख होगा। मतलब 18 लाख में SC/ST भाइयों को 6 लाख माफ हो जाएगा और जनरल भाइयों को 4.5 लाख जो है माफ हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचा वो आप 20-30 साल में किस्तों में चुकाते रहिएगा। दूसरा जो है दूध से बने प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि दही हो गया, लस्सी हो गया, मट्ठा हो गया, इन सब का अगर आप प्रोसेस यूनिट लगाते हैं तो आपको 12 लाख रुपए का लोन देता है नाबार्ड। और उसमें कहता है कि समान वर्ग को जो अधिकतम 3 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है और SC/ST के भाई लोग जो है उनको 4 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है।
जो लोग डेयरी प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का सुविधा करते हैं, कोल्ड चेन बनाते हैं, मतलब एक फ्रीजर गाड़ी खरीदते हैं, उसमें सारा सामान भर के शहर तक पहुंचाते हैं। वो गाड़ी जो है महंगा आता है, मतलब समझिए 10 लाख 15 लाख तक का तो गाड़ी आता है, लेकिन नाबार्ड जो है अगर बड़ा गाड़ी लीजिएगा तो 24 लाख 25 लाख तक खर्च होगा आपका। तो नाबार्ड उसके लिए 24 लाख रुपए दे रहा है, जिसमें जनरल वर्ग को 6 लाख रुपए माफ होगा, मतलब 25% सब्सिडी है, और ST ST वाले भाई लोगों को 33.33% का सब्सिडी, मतलब अधिकतम 24 लाख में से अधिकतम 8 लाख रुपए तक तो आपको माफी हो गया। ये जितना भी आप परियोजना देख रहे हैं, 4 लाख 80 हजार, 20 हजार, 18 लाख, तो आप जो अपना रिपोर्ट बनाओगे उस रिपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि 10% पैसा अपने पॉकेट से लगता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है? 10% पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। और दो तीन परियोजना बचा है नाबार्ड का, उसको समझिए, और फिर लास्ट में बताता हूं कि नाबार्ड का लोन जो है आसानी से कैसे लेना है। टोटल आप अगर देखोगे तो नाबार्ड का अलग अलग तरह का 9 प्रोजेक्ट चल रहा है। इन 9 प्रोजेक्ट में अगर आपको सबसे ज्यादा लोन का अमाउंट लेना है तो वो एक ही प्रोजेक्ट में मिल सकता है आपको, वो है ये दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा। मतलब आपको एक कोल्ड स्टोरेज बनाना होगा जिसमें खर्च जो है 30-40 लाख रुपए आएगा, और नाबार्ड इसमें आपको देता है 30 लाख रुपए। इस लोन को अगर कोई जनरल कैटेगरी के भाई लोग लेते हैं तो उनको 25% सब्सिडी मिलेगा, जिसमें 7 लाख 50 हजार तो उनका माफ ही है। वहीं ST ST के जो भाई लोग हैं उनको 33.33% का सब्सिडी मिलता है, जिसमें उनका 10 लाख माफ है। मतलब समझिए 30 लाख के लोन में 10 लाख ST ST भाइयों का माफ ही है, सिर्फ उनको 20 लाख चुकाना होगा। अगर कोई पशु चिकित्सालय बनाता है तो उस कंडीशन में उसको 2 लाख 40 हजार मिलता है, और क्लिनिक वगैरह सब बनाता है तो उस कंडीशन में 1 लाख 80 हजार जो है और जुड़ जाता है। इसमें जनरल के जो लोग हैं उनको 60 हजार रुपये मिलता है, और ST ST के जो भाई लोग हैं उनको 80 हजार रुपये का सब्सिडी मिलता है। डेयरी मार्केटिंग करने के लिए भी 56 हजार का लोन देता है नाबार्ड, इसमें जनरल को 14 हजार रुपये का सब्सिडी मिल जाता है, और ST ST के जो भाई लोग हैं उनको 18,600 का सब्सिडी मिल जाता है। अब ये समझिए कि ये जो जितना आपको नाबार्ड का अलग अलग प्रोजेक्ट बताया आपको, आप अपना जो जिला का पशुपालन कार्यालय होगा, पशु कार्यालय होगा, उस कार्यालय में जाके आपको अप्लाई करना होगा, या फिर आपको जितना बैंक बताए ग्रामीण बैंक वगैरह उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेनली जो अच्छा होगा आपके लिए वो होगा जिला के कृषि कार्यालय में जाके पशुपालन विभाग में फॉर्म लेके नाबार्ड का आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए, वो आपको बैंक को डायरेक्ट करेगा और बैंक से आपका सारा प्रोसेस होगा। अब ये समझिए कि लोन कैसे आसानी से मिलता है। लोन आसानी से जो नाबार्ड देता है, अभी तक जितना भी मैंने बात किया है लोगों से, अलग अलग लोगों से, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी के पास डेयरी का ट्रेनिंग होता है, मतलब चाहे वो 1 महीने का ट्रेनिंग हो, 3 हफ्ते का ट्रेनिंग हो, किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज का, अलग अलग समय पर एग्रीकल्चर कॉलेज लोग जो है हफ्ते 2 हफ्ते का ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, जो कृषि विकास केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ये लोग भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। अगर आपके पास वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, साथ में आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा है, तो आपको नाबार्ड का लोन मिल जाता है। ये जो दसों मैंने बताया, इसके अगर आपको इंटरेस्ट रेट जानना होगा तो आप अपना स्टेट का नाम और शहर का नाम कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि आपके यहाँ नाबार्ड का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और इसमें से कोई भी सवाल हो आपके मन में कि कौन सा परियोजना सही होगा, क्या सही होगा, आप पूछ सकते हो। मैं भी एग्रीकल्चर का ही विद्यार्थी रहा हूँ, MSc भी मैंने एग्रीकल्चर से ही किया है, इसीलिए इस बारे में मुझे अच्छे से आइडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत आभार।